हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग सभी को। और अभी सुबह का बज रहा है 8 और अनुष्का की चल रही है एग्ज़ाम और उसको लगी है भूख, तो मैं उसके लिए बना रही हूँ नाश्ता। उसको चाय बना देती हूँ, नाश्ता दे देती हूँ। आप सब लोग कैसे हैं बता दीजिएगा। मैं बहुत अच्छी हूँ और अपना मॉर्निंग से इवनिंग तक का व्लॉग लेके आ गई हूँ। तो बस ये नए मोबाइल से वीडियो बन रहा है, ज़रूर बताइएगा उसकी क्वालिटी आप लोग को कैसी लगी, क्योंकि मुझे तो बहुत अच्छी लग रही है। हाउ टू मेक जो चैनल है जो मेरा रेसिपी का चैनल है उस पर मैंने रेसिपी बना के डाली है, तो आप देख लीजिएगा। उसमें मैंने बहुत ही कम तेल में किस तरह से आप कटलेट या स्नैक्स बना सकते हैं, तो जाके देखिएगा हाउ टू मेक बाय गायत्री जो मेरा रेसिपी का चैनल है वहाँ पर। और एक इसको मैं पीसूँगी बेसन के लिए, 2 किलो दाल लाई थी मैं, तो इसको पीसना है आज। बाबू गुड मॉर्निंग, शुरू हो गई आपकी? क्या करना है, नाश्ता करना है? तो उठते जाओ, प्रेशर से कर लो। चलो उठो जल्दी से फटाफट। मैं जाऊँ? क्यों, गर्मी लग रही थी क्या आपको? क्यों आपको गर्मी लग रही थी? हाँ क्यों गर्मी लग रही थी? तो काव्या को लग रही थी गर्मी, तो इसने चेंज कर लिया था रात में। गर्मी लग रही थी, कल रात को गर्मी थी, वैसे भी गर्मी शुरू हो चुकी है। तो हाँ, आपने देखा हमारे यहाँ पर ऐसे तो धूप आती नहीं है, ठंड के दिनों में तो बिल्कुल भी धूप नहीं रहती है, लेकिन अभी गर्मी के सीज़न में पूरी ऐसी धूप आएगी अंदर तक कि कमरे तप जाते हैं पूरी तरीके से। तो इनके पापा बोल रहे हैं एसी का इस बार, लेकिन मैं मना कर रही हूँ कि एसी अभी नहीं लगवाना है। तो देखते हैं क्या होता है, लगता है कि नहीं लगता है, मेरी तरफ से तो ना है, क्योंकि मुझे एसी यहाँ नहीं लगवाना, कहीं और लगवाना है। तो देखते हैं, कचरे वाला आया है, कचरा फेंक देती हूँ, फिर मिलती हूँ मैं आप लोगों से। तो बस कचरा फेंक चुका है और यहाँ पर दिशा आई भक्ति भक्ति खेलने के लिए, तो बस इसका नाइट पता नहीं कैसे निकलता है, मॉर्निंग होते ही ये ऊपर नीचे घूमने लग जाती है। तो यहाँ पर मैं पोछा लगा लेती हूँ, फिनाइल डाला है, फिनाइल का पोछा लगा रही हूँ। सब दूर का पोछा लग गया है, किचन और गली बची है, तो यहाँ का पोछा लगा देती हूँ फटाफट। तो एक दिन छोड़ के एक दिन लगता है पोछा, और अभी गर्मी आ जाएगी तो रेगुलर लगेगा, क्योंकि धूल मिट्टी बहुत उड़ेगी गर्मी में। तो बस पोछा लगा के वो फिनाइल का मतलब बॉटल रखी है, तो यहाँ पर मैं रख लेती हूँ, तो सिंक में भी डाल देती हूँ, और बस पोछा लगा के नहा के फिर मिलती हूँ मैं आप लोगों से। ये सबसे लास्ट काम है सफाई का, उसके बाद खाना बनाना है। फाइनली मॉर्निंग का जो साफ सफाई का काम था ना, वो फिनिश हो चुका है, और यहाँ पर मैं आ गई हूँ हैंकी निकालने। तो हैंकी टक ब्लॉग है, तो हैंकी टक कर लेती हूँ सिंपल तरीके से, बहुत ही सिंपल तरीके से। तो यहाँ पर ये हैंकी निकाल लिया है मैंने, और ये बात करती जा रही हूँ मैं, और यहाँ पर ये न्यू हैंकी था, तो इसका मैंने वो निकाल दिया, जो चिप लगे स्लिप वो लगी रहती है ना, जो भी टेक वेक लगा रहता, तो वो निकाल दिया मैंने इसका। और यहाँ पर भिंडी मैंने धो के रख दी थी, तो भिंडी की सब्ज़ी नहीं बनाऊँगी अभी मैं। और यहाँ पर आलू की सब्ज़ी रखी थी, तो मैंने सोचा कि आलू के पराठे बना लिए जाए, और मेथी की सब्ज़ी रखी थी, तो आलू और मेथी के पराठे बनाए मैंने, वो भी चाय के साथ खाएंगे हम लोग। अनुष्का स्कूल चली गई है, बस यहाँ हमारे लिए बन रहा है, और उसके बाद मैं यहाँ पर ये कपड़े सुखा देती हूँ। तो बस लंच में यही रहेगा, आलू के पराठे और मेथी के पराठे ही, और शाम को डिनर में देखती हूँ क्या बनाना है। तो यहाँ पर ये कपड़े सूख गए थे, इनको उतार लेती हूँ और गीले कपड़े डाल देती हूँ सूखने के लिए।
तो कपड़े टाइम से सूख जाते हैं, तो सूख जाते नहीं तो फिर रह जाते हैं वो, फिर शाम तक ही पड़े रहते हैं। तो बस यहाँ पर मैंने कपड़े सुखा दिए हैं और जो कपड़े उतारे थे उनकी भी घड़ी करके रख देती हूँ। और यहाँ पर मैंने हैंकी टक कर लिया है, तो बहुत ही सिंपल तरीके से हैंकी टक करा है। इन साड़ियों को मैं प्रेस करने का सोच रही थी लेकिन अभी टाइम नहीं है, तो इनको मैंने सिर्फ घड़ी करके रख दिया है, क्योंकि रेगुलर साड़ियाँ पहनने में आती ना तो सलसल हो जाते हैं, इनको धो के सुखाते हैं ना। तो चलिए सभी कपड़ों की घड़ी हो गई है, तो इनको मैं रख आती हूँ पीछे कबर्ड में और मिलती हूँ। आज मुझे आया है ऑर्गेन से एक और प्रोडक्ट आया है, तो वो कौन सा प्रोडक्ट है उसका रिव्यू मैं बहुत जल्दी आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ। अभी मैंने उसको ओपन नहीं किया है, तो ये रहा पूरा ऐसे कैसे लेके रख रखा है मैंने इसको, तो मुझे तो पता है क्या आया है लेकिन आपके साथ मैं इसको ज़रूर शेयर करूँगी और इसके बेनिफिट भी बताऊँगी कि इसके क्या क्या बेनिफिट है। इसी तरह से मैंने ऑर्गेन्स का मुल्तानी मिट्टी अरीठा आंवला शिका, तो बहुत ज़्यादा शोर हो रहा था इसलिए मैं पीछे वाले रूम में आ गई हूँ। तो ऑर्गेन्स से जो ये मुझे प्रोडक्ट आया, इससे पहले भी मुझे एक प्रोडक्ट और आया था अरीठा आंवला शिका का ही था, जो काफ़ी अच्छा था। आप उसका हेयर मास्क बना के यूज़ कर सकते, मुल्तानी मिट्टी पाउडर था। और अभी जो आया है ये क्या आया है तो मैं इसको ओपन करके बताऊंगी और ब्लॉग में बने रहिएगा। आप लोगों को ब्लॉग कैसे लगते हैं, कौन सी रेसिपी बना रही हूँ देखती हूँ। तो ये जो वीडियो बना रही ना ये मैं नए मोबाइल से बना रही हूँ, तो ये वाला मोबाइल मैंने इनको दिलाया है, मैंने इनके लिए लिया था लेकिन अभी ये लेके नहीं गए हैं। तो हमेशा ये देते थे और ये फर्स्ट टाइम है जब मैंने इनको दिया है अपने यूट्यूब की पेमेंट से, तो अच्छा लग रहा है और अलग खुशी मिलती है जब हम लोग कुछ अपनों के लिए करते हैं। हमेशा मैंने लिया ही लिया है इनसे और ये फर्स्ट टाइम है जब मैंने इनको ये गिफ्ट दिया है, तो अच्छा लग रहा है, मुझे भी अच्छा लग रहा है। और अगर हम हाउसवाइफ घर में रह के कुछ कर सकती हैं तो ये यूट्यूब ऐसा एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम बहुत कुछ कर सकते हैं, अपने लिए, बच्चों के लिए, हस्बैंड के लिए, फैमिली के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। और सबसे मेन तो है हम अपने लिए, हाउसवाइफ बाहर नहीं जा पाती हैं, जो घर में ही रह के कुछ करना चाहती है तो ये सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है। तो चलिए बहुत ज़्यादा बात कर ली है और अब देखती हूँ मैं खाने में क्या बनाना है मुझे, तो चलिए चलते हैं किचन में। यहाँ पर ये है जो मैंने इनको गिफ्ट किया है, ओप्पो का A31, और काफ़ी अच्छा मॉडल है, मुझे तो अच्छा लगा। अभी नया नया है तो अच्छा लग रहा, देखते हैं क्या इसकी सर्विस रहती है। तो यहाँ पर ये मैं आ गई हूँ सब्जी की तैयारी करने, तो सृजना की फली लेके आई थी। बहुत से लोग इसको सहजना की फली और भी बहुत सारे नाम है इसके, तो हम लोग तो सृजने की फली बोलते हैं। तो इसी को मैं साफ़ कर लेती हूँ और इसी की सब्ज़ी बनाऊँगी आज, क्योंकि इनके पापा को इसकी सब्ज़ी बहुत पसंद है और मुझे भी बहुत अच्छी लगती है। तो बच्चे तो भी सिर्फ ना मसाले से खाएंगे, उनको पसंद नहीं है, और आलू की सब्ज़ी रखी है तो उससे खाएंगे। तो बस यहाँ पर ये मैं छील लेती हूँ इस तरह से, हम लोग इस तरह से छील के बनाते हैं। बहुत से लोग बिना छिले भी बना लेते हैं, लेकिन छील के बनाने से अच्छा लगता है, मतलब सॉफ्ट हो जाती है फली। तो यहाँ पर अदरक लहसुन प्याज का मैं पेस्ट तैयार करूँगी, तो मैंने सोचा एकदम बारीक फाइन पेस्ट तैयार करूँगी, तो मैं मिक्सर में ही इसका पेस्ट तैयार कर लेती हूँ। तो यहाँ पर ये फलियाँ छिल गई है, और ये काव्या है ना, ये भी मतलब इस तरह से काम करवाने में बहुत इच्छुक रहती है। तो यहाँ पर मैंने तेल डाला है 2 बड़े चम्मच, और उसके बाद यहाँ पर अदरक लहसुन प्याज का मिक्सर में ग्राइंड करा था। उसी के साथ मैंने हल्दी मिर्ची धनिया ये 3 चीज़ डाल के, जिस तरह से आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक मिर्ची धनिया ले सकते हो, और यहाँ पर गरम मसाला डाल दिया है। इन सभी को डाल के अच्छे से भूनूंगी ढककर, और इसका कलर चेंज हो जाएगा तब तक भूनूंगी, जाली पड़ जाना चाहिए मसाले में। तो यहाँ देखिए एकदम जाली जैसी पड़ गई है, कलर चेंज हो चुका है, तो यहाँ डाल देते हैं फली। आप चाहो तो इसमें आलू भी डाल सकते हो, लेकिन मेरे यहाँ पर इसके साथ आलू पसंद नहीं करते, इसलिए मैंने आलू नहीं डाला है। ये भुनी है कम से कम 10 मिनट, उसके बाद मैंने इसमें डाला है पानी। 5-10 मिनट भूनने के बाद फिर आप पानी डालिएगा, फली डालने के बाद 5-10 मिनट भूनिए, उसके बाद फिर पानी डाल दीजिए जरूरत के हिसाब से। आपको कितनी ग्रेवी रखनी है, पकना और ग्रेवी रखना ये दोनों को मिला के आपको पानी डालना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने 2 गिलास के आसपास पानी डाला है, इसमें अच्छे से उबाल आने देंगे, मीडियम फ्लेम पे इसको पकने देंगे, और अच्छे से थोड़ा सा ग्रेवी वाली बनाऊंगी मैं। तो यहाँ पर सब्जी पक रही है और इसी बीच में मैं रोटी ही बना लेती हूँ, तो साथ में दोनों काम हो जाएंगे। और बस यहाँ पर रोटी आखिरी है, 3-4 रोटी बची थी मेरी, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर दूँ इतनी सी रोटी बना रही हूँ वाला वीडियो भी। तो यहाँ पर बस रोटियाँ बन रही हूँ, हाथों हाथ में घी भी लगाती जा रही हूँ, बाद में घी नहीं लगाती हूँ मैं, क्योंकि गरम गरम रोटियों में घी लग जाता है तो घी भी पक जाता है, और घी तो कंपलसरी, हम लोग बिना घी के रोटी नहीं खाने में आती है। तो बस यहाँ पर मेरी रोटियाँ बन गई हैं, और सब्जी भी 5-1 मिनट और बनाऊँ पकाऊँगी, उसके बाद मैं गैस ऑफ कर दूँगी। तो चलिए मिलती हूँ मैं आप लोगों से।
देखिए ये बन गई सब्जी और बहुत ही टेस्टी बनी है। और ग्रेवी देख रहे होंगे आप तो मुझे ऐसे दिखाना पड़ रहा है, यहाँ से फिर वहाँ कैमरा लेके जाऊँगी इसलिए मैं डायरेक्ट ही दिखा रही हूँ आपको। देखिए ग्रेवी तो बहुत ही टेस्टी बनी है, एक बार आप जरूर ट्राई करेगा। इस सीजनिंग पर लेकिन सब्जी की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी जरूर बताइए। इसको रख देती हाथ से नहीं छिटक जाकर मेरे, धनिया पत्ती नहीं डालती हूँ मैं क्योंकि बच्चों को धनिया पत्ती नहीं अच्छा लगता है, वो निकाल के फेंक देते हैं, इसलिए मैं धनिया पत्ती डालती रही हूँ। बस अब ब्लॉग को एंड करते हैं और इनके पापा आ जाएंगे, अभी कहीं गए हैं मार्केट, तो उसके बाद फिर खाना खाते हैं। तो आज का ब्लॉग कैसा लगा जरूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ये हैंकी टैग हटा देती हूँ मैं, तो चलिए मिलती हूँ कल नए ब्लॉग में नए रूटीन के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।